गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंदर जो कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है उसकी प्रॉब्लम नंबर 11 एंड प्रॉब्लम नंबर 12 का लेक्चर लेने वाले हैं। ये बुक में जो प्रॉब्लम का नंबर है वो है 12 एंड 13। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का वो MCOM, MBA, BBA, देन CA सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। और अदर यूनिवर्सिटी के जिन जिन स्टूडेंट के सिलेबस में कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर जो है वो 11 यानी कि बुक में का 12 नंबर का प्रॉब्लम है वो देखने वाले हैं। मेसर्स पांडे लिमिटेड इज मेसर्स पांडे इज कंटेम्पलेटिंग टू परचेस अ मशीन ए एंड बी ईच कॉस्टिंग ऑफ ₹5 लाख। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, 50,000 था बुक में, तो ये एक्चुअली 5 लाख है। तो यहाँ पर 5 लाख लिया है। 5 लाख बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट जो है बिफोर डेप्रिसिएशन तो वो एक्सपेक्टेड है 5 इयर्स का, जो नीचे टेबल में आपको दिया गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखिए। हाँ, तो जो मशीन की कॉस्ट है ईच मशीन की वो है 5 लाख, एंड प्रॉफिट जो है बिफोर डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर कैश इनफ्लो दिया गया है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर, इसे 5 इयर्स का। मशीन ए की जो प्रॉफिट है या फिर कैश इनफ्लो है वो यहाँ पर 5 इयर्स का है, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। मशीन बी का है 50,000, 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अभी यहाँ पर डिस्काउंटेड फैक्टर दिया गया है 10% के लिए, यहाँ पर डिस्काउंटेड फैक्टर दिया गया है। अगर नहीं दिया होता तो हमने कल जिस तरह से कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट किया था उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर है तो हम यही डिस्काउंट फैक्टर लेकर कैलकुलेशन करेंगे। यूजिंग अ 10% डिस्काउंटेड रेट इंडिकेट विच ऑफ द मशीन वुड प्रॉफिटेबल यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम सॉल्यूशन के लिए दो मशीन है तो इसीलिए हम टू कॉलम्स करेंगे। हर एक कॉलम में कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू आएगी, कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू आएगी। एक कॉलम ईयर का होगा, एक कॉलम डिस्काउंटेड फैक्टर का होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया है। क्यों 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारा टोटल वैल्यू है मशीन की वो हमें लेनी है 5 लाख। तो यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया। डिस्काउंटेड फैक्टर जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का था वो गिवन था, और फर्स्ट यहाँ पर 0 के लिए हमने वैल्यू ली 1। तो कैश इनफ्लो मशीन ए का है, कैश फ्लो सॉरी आउटफ्लो वो है 5 लाख, क्योंकि 5 लाख में हमने मशीन परचेस की है, तो ये हमने माइनस में दिखाया है 5 लाख। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू भी कितनी आएगी, 5 लाख, क्योंकि 1 × 5 लाख 5 लाख ही आएंगे। यहाँ पर मशीन बी की कैश इनफ्लो है 5 लाख, सॉरी कैश फ्लो है 5 लाख, आउटफ्लो है वो, और 1 × 5 लाख प्रेजेंट वैल्यू भी आई 5 लाख। अभी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम में दिया गया था 5 इयर्स का प्रॉफिट वो लिया है कैश फ्लो में। पहले हमने मशीन की वैल्यू ली, बाद में ये जो 5 इयर्स का प्रॉफिट है वो हम कैश फ्लो में लेंगे और डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंटेड फैक्टर हमने लिख दिए हैं 5 5 इयर्स के। कैश इनफ्लो में मशीन ए के कॉलम में जो है कैश फ्लो, वहां पर हमने 5 इयर्स का प्रॉफिट लिखा। मशीन बी के कैश फ्लो के कॉलम में हमने 5 इयर्स का प्रॉफिट लिखा। अभी हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। 0.9091 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 को। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आया है
वो हमने प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में लिखा 1,36,365। उसी तरह से हम क्या करेंगे, 0.9091 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो उसका आंसर हमने बी के प्रेजेंट वैल्यू में लिखा 45,455। नेक्स्ट है 0.8264, इसको हम 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखा हमने मशीन ए के प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में 1,65,280। उसी तरह से हम मशीन बी जो है 1,50,000, सेकंड ईयर का उसका प्रॉफिट है, तो उसको 0.8264 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हम बी के प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में लिखेंगे 1,23,960। नेक्स्ट है 0.7513, 0.7513 से हम 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे मशीन ए के कॉलम में 1,87,825। उसी तरह से 0.7513 को हम 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में 1,50,260। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड फैक्टर 0.6830, इसको 1,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में 1,02,450। नेक्स्ट बी जो है मशीन, उसके कैलकुलेशन करेंगे 0.86830 से हम 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में 2,04,900। इसी तरह से लास्ट ईयर का भी कैलकुलेशन करेंगे, फिफ्थ ईयर का 0.6209 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में 62,090। एंड 0.6209 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे मशीन बी के कॉलम में 1,24,180। अभी इनकी हमें टोटल करनी है, तो देखिए टोटल करते वक्त हम कैसे टोटल करेंगे, यहाँ पर जो है हमने वो कैश आउटफ्लो लिखा था 5 लाख रुपए, तो वो जो 5 लाख रुपए है वो टोटल में नहीं आएंगे, हम टोटल कहाँ से करेंगे, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख, तो इनकी टोटल हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3,50,000 प्लस 250, 6 लाख प्लस 150, 7,50,000 प्लस 1 लाख, 8,50,000। यहाँ पर भी हम टोटल जो करेंगे वो 1,36,365 से लेकर 62,090 तक करेंगे, यानी कि ये 5 लाख जो है वो कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, तो टोटल आई 6,54,010। नेक्स्ट हम 50,000 से टोटल स्टार्ट करेंगे 2 लाख तक, टोटल आई 9 लाख। यहाँ पर हम 45,455 से स्टार्ट करेंगे 1,24,080 तक, टोटल आई 6,48,755। तो हमने इस तरह से जो 12 नंबर का प्रॉब्लम था वो यहाँ पर कंप्लीट किया है। हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने यहाँ पर ये प्रॉब्लम है 12 नंबर का, और उसकी यहाँ पर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अभी जो 13 नंबर का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए जो 13 नंबर का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है, और यहाँ पर हमें जो कल हमने कैलकुलेटर यूज किया था और डिस्काउंटेड फैक्टर कैलकुलेट किया था तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली कोई भी टेबल नहीं दिया गया है, तो हमें डिस्काउंटेड फैक्टर है वो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं नंबर 13 का प्रॉब्लम। जो 13 नंबर का प्रॉब्लम है वो ओनली 2 लाइन में प्रॉब्लम दिया गया है, लेकिन उसका सॉल्यूशन है वो हमें 1 से 2 पेज तक करना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉब्लम पहले समझ लीजिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 32,400, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 32,400, इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो, तो उनको एक्सपेक्टेशन है कि कैश इनफ्लो कितना मिलेगा, 16,000, 14,000 एंड 12,000 थ्रू आउट इट
3 ईयर्स लाइफ पे रहे, मगर मतलब उस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो अगर 3 ईयर्स की होती होती है तो फर्स्ट ईयर में 16,000 प्रॉफिट जनरेट होगा, सेकंड ईयर में 14,000 होगा, थर्ड ईयर में 12,000 होगा। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, एजम्पशन करना पड़ता है, मतलब कुछ रेट लेकर हमें एजम्पशन करना पड़ता है। तो अगर उस रेट में माइनस में फिगर आती है तो उससे कम रेट में कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है, जब तक कि प्लस में फिगर नहीं आती, जब तक हमारा जो कैलकुलेशन की वैल्यू है या फिर प्रेजेंट वैल्यू है वो प्लस में नहीं आती, तब तक हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग रेट लेकर कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करके एक रेट लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि उसका जो आंसर है वो प्लस में आता है कि माइनस में आता है। अगर माइनस में आया तो उससे कम रेट लेकर फिर से कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर बिगिन किया था 20% के रेट से, मतलब 20% रेट जो है वो एज्यूम किया था प्रेजेंट वैल्यू का। टू बिगिन विथ लेटेस्ट ट्राई रेट 20% एंड कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑन दिस रेट, इस रेट से हम कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर है ये हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हमने कल कैलसी यूज करके डिस्काउंटेड फैक्टर कैलकुलेट किया था, उसी तरह से हमें डिस्काउंटेड फैक्टर खुद से कैलकुलेट करना करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कॉलम कीजिए ईयर का, कैश इनफ्लो का, डिस्काउंटेड फैक्टर अभी 20% लेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटेड फैक्टर, इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया, कैश इनफ्लो में 16,000, 14,000, 12,000 लिख दिया। अभी मैं आपको कैलसी शेयर करती हूँ, मतलब कैलकुलेटर शेयर करती हूँ स्क्रीन के ऊपर, और पहले जो डिस्काउंटेड फैक्टर है 20% का वो हम निकाल लेंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर मल्टी डिस्काउंटेड फैक्टर, लेकिन ये कैसे आया ये मैं आपको कैलसी शेयर करके बताती हूँ। तो देखिए डिस्काउंटेड फैक्टर 20% है, तो हम लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.20, क्योंकि 20% है तो हम 1 को 1.20 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, देखिए आंसर आया है 0.833, मतलब अनलिमिटेड 3 है, लेकिन हम 3 डेसिमल तक ले रहे हैं या फिर 4 डेसिमल तक भी ले सकते हैं, तो हम 3 डेसिमल तक ले रहे हैं, 0.833। अभी अगेन इक्वल टू का साइन प्रेस करना है ताकि सेकंड ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर मिलेगा, इज इक्वल टू सेकंड ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर मिला 0.694। अगेन हम इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, हमें थर्ड ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर मिला 0.78, आगे 7 आया है तो हम 8 का क्या करेंगे 9 कर लेंगे, तो 0.579 ये थर्ड ईयर का। इस तरह से हमने 3 ईयर्स के डिस्काउंटेड फैक्टर कैलकुलेट किए। तो हम अभी कैलकुलेटर में स्टॉप कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने डिस्काउंटेड फैक्टर पहले कैलकुलेट कर लिए कैलसी के ऊपर, अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। 16,000 इंटू 0.833 आंसर आया 13,328, देन 14,000 इंटू 0.694 आंसर आया 9,716, 12,000 इंटू 0.579 आंसर आया 6,948। अभी हम इनकी टोटल करेंगे तो टोटल आई है 29,992, और हमारी जो कैश आउटफ्लो है या फिर इन्वेस्टमेंट है हम इसमें से माइनस करेंगे, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आई है 29,992। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस वैल्यू ऑफ कैश आउटलेज,
आउटलेज मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो 29,992 में से अगर हम 32,400 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है -2,408। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या आई है, माइनस में आई है। तो निगेटिव अगर आ रही है तो ये जो रेट है वो हाई हो रहा है, तो हमें इससे कम रेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया द नेट प्रेजेंट वैल्यू इन दिस केस इज नेगेटिव, इंडिकेटिंग दैट 20% इज हायर रेट एंड सो अ लोअर रेट शुड बी ट्राइड, उससे कम रेट ट्राई करना चाहिए। तो हम 2-2% से कम रेट ले रहे हैं, 3 रेट हम ट्राई करेंगे, 18%, 16% एंड 14% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमने वो रेट लेकर रिजल्ट निकालने हैं। सेम इसी तरह से हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, सेम हमें ईयर का एक कॉलम, कैश इनफ्लो का, डिस्काउंटेड फैक्टर का, प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम, इस तरह से कॉलम करने हैं, लेकिन अलग अलग परसेंट से, मतलब 18%, 16% एंड 14% से। तो यहाँ पर हम कॉलम कर रहे हैं, पहला कॉलम ईयर का, सेकंड कॉलम कैश इनफ्लो का, थर्ड कॉलम डिस्काउंटेड फैक्टर का, देन प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पर हमने डिस्काउंटेड फैक्टर पहले लिया 18%, देन उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी यहाँ पर। सेकंड हमने डिस्काउंटेड फैक्टर लिया 16,000 और उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आएगी, मतलब कैश इनफ्लो का कॉलम जो है वो एक ही बार ड्रॉ करना है, अगेन एंड अगेन ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ हमें अगेन 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 कौन से कॉलम करने हैं, डिस्काउंटेड फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, ये कॉलम हमें ड्रॉ करने हैं, क्योंकि डिस्काउंटेड फैक्टर क्या है, अलग अलग डिस्काउंटेड फैक्टर है। तो हम यहाँ पर ईयर का कॉलम लेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 ईयर्स है, कैश इनफ्लो में 16,000, 14,000, 12,000। अभी डिस्काउंटेड फैक्टर जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको सामने डिस्काउंटेड फैक्टर दिख रहा है, लेकिन ये डिस्काउंटेड फैक्टर कैसे आए वो मैं आपको कैलसी के ऊपर कैलकुलेट करके बताती हूँ। पहले हम 18% जो है डिस्काउंटेड फैक्टर उसका कैलकुलेशन करेंगे, बाद में हम जो है वो 16% का, नेक्स्ट हम 14% का डिस्काउंटेड फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं आपको कैलकुलेटर शेयर कर रही हूँ। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, जो 18% है तो उसके लिए हम डिस्काउंटेड फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो 18% के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.18, क्योंकि 18% है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.18 और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आया है 0.4847। अगेन इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, सेकंड ईयर का आया है 0.718, अगेन इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आया 0.608। फोर्थ डिजिट जो है वो 6 है तो हम उसको 9 करेंगे, तो 0.609। इस तरह से हमने पहले 18% जो फैक्टर है उसके डिस्काउंटेड फैक्टर्स कैलकुलेट किए 18% रेट के। अभी हम 16% रेट के कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं ये जीरो कर लेती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.16, क्योंकि यहाँ पर 16 का रेट का कैलकुलेट करना है हमें, तो इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ईयर का आएगा 0.862, अगेन इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, 0.743 सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का 0.640, आगे 6 है तो हम 0 का 1 कर लेंगे, तो थर्ड ईयर का आएगा डिस्काउंटेड फैक्टर 0.641। अभी हम 14% के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 14% के लिए कैलकुलेट करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इज इक्वल टू 0.867।
7 7 अगेन इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, 0.769 अगेन इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, 0.674 फोर डिजिट 9 है तो हम 4 का 5 करेंगे तो 0.675। इस तरह से हमने 3 इयर्स के जो अलग अलग परसेंटेज थे उनके डिस्काउंटेड फैक्टर क्या करे कैलकुलेट कर लिए कैलकुलेटर के ऊपर। अभी हम स्टार्ट करते हैं अगेन रिमेनिंग सॉल्यूशन। अभी हमने डिस्काउंटेड फैक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं, वो टेबल में लिख दीजिए। तो जो 18% का कॉलम है उसमें हमने 3 इयर्स के डिस्काउंटेड फैक्टर लिख दिए, 0.847, 0.718 एंड 0.609। जो 16% का डिस्काउंटेड फैक्टर है उसमें 16% के जो अमाउंट आई है वो लिख दी है 0.862, 0.743, 0.641। 14% का जो डिस्काउंटेड फैक्टर आया है वो हमने 14% के कॉलम में लिख दिया, 0.4877, 0.769 एंड 0.675। अभी मल्टीप्लिकेशन करना है तो 16,000 × 0.847 आंसर आया 13,552। देन 16,000 × 0.862 आंसर आया 13,792। नेक्स्ट 16,000 × 0.877 आंसर आया 14,032। इसी तरह से हम सेकंड ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, 14,000 × 0.718 तो आंसर आया 10,052। 14,000 × 0.743 आंसर आया 10,402। नेक्स्ट 14,000 × 0.769 आंसर आया 10,766। अभी थर्ड ईयर का कैलकुलेशन करेंगे जहाँ पर 12,000 अमाउंट है, तो 12,000 × 0.609 आंसर आया 7,308। देन 12,000 × 0.641 आंसर आया 7,692। देन 12,000 × 0.675 आंसर आया 8,100। अभी हम इनकी टोटल करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर की जो है वो आई है 30,912, सेकंड ईयर की आई है 31,886 एंड थर्ड ईयर की आई है 31,898। अभी अगर आप इसमें से कैश आउटले यानी कि इन्वेस्टमेंट के अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको दिखेगा कि सभी और माइनस ही आंसर आ रहा है। तो लेस वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो फर्स्ट ईयर की 32,400 माइनस करके आंसर आया है 1,488। सेकंड ईयर की माइनस करके आंसर आया है 514, लेकिन वो भी माइनस में ही है। थर्ड ईयर की हमने माइनस की तो आंसर आया है -498। मतलब हमने जो 3 रेट लिए थे 18%, देन 16% एंड 14%, तो ये तीनों में जो आंसर है वो क्या आ रहा है माइनस ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी माइनस में वो 1488 थी, लेकिन जब हमने 16% के लिए कैलकुलेट किया तो वो कम आई है। देन हमने 14% के लिए कैलकुलेट किया तो उससे कम आई है। तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो रेट है वो रियल रेट कहाँ पर छुपा है, तो 14 से लेकर 16% के बीच में है। तो हम 15% लेकर अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो जो इंटरनल रेट है वो एज्यूम करेंगे हम 15%। देयरफॉर लेट अस सिलेक्ट 15% इंटरनल रेट टू असर्टेन इट्स एप्लीकेबिलिटी। तो 15% रेट हमने यहाँ पर लेकर कैलकुलेशन करके देखा है दोनों के बीच का रेट, 14 एंड 16 के बीच का रेट। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कैश इनफ्लो लिख दिया 16,000, 14,000, 12,000। अभी डिस्काउंटेड फैक्टर 15% के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे,
अभी मैं कैलकुलेशन शेयर नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो कैलकुलेटर करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, तो 1/1.15 और इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, तो आंसर आएगा 0.870। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 0.756। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 0658। अभी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 16,000 × 0.870 तो आंसर आया 13,920, 14,000 × 0.756 तो आंसर आया 10,584, एंड थर्ड ईयर का 12,000 × 0.658 आंसर आया 7,896। अभी इनकी टोटल करके देखी तो टोटल आई है 32,400, यानी कि जितना हमारा इन्वेस्टमेंट था या फिर आउटले था, आउटफ्लो था, उतना ही हमारा क्या आया है, प्रेजेंट इनफ्लो आया है। तो हमारी जो कैलकुलेशन है 15% की, वो करेक्ट है। तो जो एप्लीकेबल रेट है वो क्या है, 15%। तो यहाँ पर देखिए दोनों के अमाउंट क्या आई है, सेम आई है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नील आई है। दस द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15% रेट इज 0। इट इंडिकेट दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% फॉर द प्रोजेक्ट अंडर रिव्यू। तो इंटरनल रेट ऑफ रेट कितना लेना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो इस तरह से हमने क्या किया, तो पहले एक 20% का रेट एज्यूम करके कैलकुलेशन करके देखा, तो वो उसमें जो आंसर आ रहा था वो माइनस में आ रहा था और ज्यादा आ रहा था। तो हमने क्या किया, जो रेट है वो कम रेट लेकर कैलकुलेशन करके देखे और उसमें भी माइनस आ रहा था, तो दोनों के बीच का मतलब 15 और 16 के बीच का रेट लिया, तो यहाँ पर ये फिगर क्या हुई, एब्सोल्यूट आई है। तो इस तरह से हमने ये जो 13 नंबर का प्रॉब्लम था बुक में का और हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में का 12 नंबर का, वो कंप्लीट किया है। प्रॉब्लम सिर्फ 2 लाइन में था लेकिन उसका सोल्यूशन जो है बड़ा था, क्योंकि हमें एजम्पशन कर कर रेट निकालने थे, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, और इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, ये सोल्यूशन आपको अगेन मैं दिखा रही हूँ। थैंक यू।